नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस अपडेट में बात करेंगे यहाँ पर यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2018 के संबंध में। ये जो नोटिस है ये सफल अभ्यर्थियों के लिए जारी किया गया है। तो हाई कोर्ट ने दिया है यहाँ पर भर्ती बोर्ड को निर्णय लेने के आदेश। इंतजार हुआ आप सभी का खत्म, देखते हैं आज के इस अपडेट में क्या है, तो आइए जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप लोग अपने चैनल बी एस ए ट्रिकी क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसके रिगार्ड आप सभी को सारी इंपॉर्टेंट्स अपडेट मिलती रहे। और अब आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कोई भी और लेटेस्ट अपडेट तो वो आपकी मिस ना हो। तो आइए जानते हैं संबंध में क्या नोटिस जारी किया गया, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस अपडेट में आपको बताया गया है कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2018 में सफल अभ्यर्थियों पर हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पर दिया है भर्ती बोर्ड को निर्णय लेने के आदेश। बायोमेट्रिक और फोटो के मिलान की वजह से शारीरिक दक्षता परीक्षा में नहीं किया था भर्ती बोर्ड ने शामिल, तो यहाँ पर उन सभी के लिए अपडेट आपको बता रहे हैं। यहाँ पर दिया गया जैसे कि हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती 2018 में सफल हुए जो 138 अभ्यर्थी थे, इनके मामले में निर्णय लेने का पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ को आदेश दिया है। इन अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ मैच ना होने के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं किया गया, जिस पर याचिका दाखिल की गई थी। तो इटावा के अजय कुमार व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया। याचिकाओं का कहना है कि पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में उनको सफल घोषित किया गया, इसके बाद बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ मैच ना होने के आधार पर उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा में नहीं बुलाया गया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं को कारण यहाँ पर बताना है, नोटिस जारी कर दिया गया है। यदि नियमों का अनुमान्य अगर हो तो सभी 138 वंचित अभ्यर्थियों के मामले में विचार किया जाए। तो फिलहाल देखते हैं, कोई भी अपडेट आएगी इस संबंध में आपको तुरंत अप टू डेट किया जाएगा। इसके लिए आप लोग बने रहिए अपने चैनल पर। फिर मिलते हैं दोस्तों, जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो तुरंत आपको अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तब तक ले दोस्तों, नमस्कार।